बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंट कॉलेज ई लर्निंग प्रोग्राम। आज सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का हम चैप्टर तो फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आज हमने पढ़ना है उसका थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में क्या है हमारे पास, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछले टॉपिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, उसकी बेसिक टर्म्स, कूलम्स लॉ पढ़ा है, फील्ड्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इस तरह की चीज़ें। आज हमने पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, फिज़िक्स की जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी क्या चीज़ है, फोटोकॉपियर। फोटोकॉपी की तरह ये काम करती है। फोटोकॉपी मशीन जो आपको देखने में नज़र आती है, वो किस तरह से होती है कि सबसे पहले फोटोकॉपी मशीन के ऊपर एक ग्लास होता है, ठीक है। ग्लास के ऊपर वो क्या करते हैं, एक पेज को रखते हैं फेस डाउन करके। फेस डाउन करने का मतलब कि जो उसका राइटिंग वाला सेक्शन होता है उसको वो ग्लास के ऊपर रखते हैं, ठीक है। बंद कर देते हैं उसको, उसके ऊपर से उसके लिड को, और फिर क्या होता है, एक लाइट चलती है, ठीक है, और थोड़ी सी आपको साउंड सुनाई देती है रोलर्स वगैरह के घूमने की, ठीक है। लाइट चलती है और फिर क्या होता है, एक साइड से सिंपल पेज जो है वो इंटर होता है और दूसरी साइड से वो पेज प्रिंट होके निकल आता है। जो भी उसके ऊपर इमेज डिपॉजिट हुआ हुआ होता है वो निकल आता है दूसरी साइड से। तो अब ये तो था जो देखने में हमें नज़र आता है, बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अब मशीन के अंदर क्या प्रोसेस चल रहा होता है, उस मशीन की, फोटोकॉपी मशीन की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, उसकी वर्किंग में क्या है, और ये लाइट किस तरह से काम करती है इमेज को प्रिंट आउट करने में, उसकी डिटेल्स हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी का क्या मतलब होता है वैसे तो, कि फोटोकॉपियर, कि ये किसी भी पेज के ऊपर जो इमेज डिपॉजिट हुआ हुआ होता है उसको सेम टू सेम फोटोकॉपी करने में यूज़ होता है। लेकिन फोटो ज़ीरोग्राफी का क्या मतलब होता है, ज़ीरो एक वर्ड है ज़ीरो और दूसरा है ग्राफ। ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई और दूसरा ये ग्रीक वर्ड से ज़ीरो और ग्राफोस जी, ज़ीरो और ग्राफोस ये दोनों हैं ग्रीक वर्ड्स, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज के दोनों वर्ड्स हैं। ज़ीरो का क्या मतलब है ड्राई और ग्राफोस का क्या मतलब है राइटिंग। तो ऑन दी होल ज़ीरोग्राफी जो है उसका मीनिंग क्या है, ड्राई राइटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये पहली एप्लीकेशन है ज़ीरोग्राफी और इसका क्या मतलब है ड्राई राइटिंग। ये काम किस तरह से करती है, जैसे कि एक फोटोकॉपी मशीन काम करती है। अब सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इस मशीन को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि ये किस असूल पर, किस फिनोमिना पर ये काम करता है। तो आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यही प्रिंसिपल जो है वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर यूज़ होगा कि दो तरह के चार्जेस होंगे, एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यही पूरा काम इस सारे प्रोसेस में हो रहा है। तो प्रिंसिपल पर हम लिखेंगे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखने से तो आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा होगा कि किस चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन और इसकी सिमेटिक डायग्राम, इन दोनों चीज़ों को हम साथ साथ लेके चलेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रम। ड्रम जो है वो इसका मेन पार्ट है, इस फोटोकॉपी मशीन का ड्रम जो है वो मेन पार्ट है, ये है इसका ड्रम। ड्रम का जो अंदर वाला हिस्सा है, इंटरनल पार्ट उसका, वो कौन से मटेरियल का बना होता है, एल्युमिनियम का। ड्रम का अंदरूनी हिस्सा एल्युमिनियम का बना होता है और उसके बाहर वाली साइड पर एक चीज़ की कोटिंग हुई हुई होती है। कोटिंग होने का मतलब कि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, लेयर बनी हुई होती है उसके ऊपर। तो वो लेयर किस चीज़ की होती है, सेलेनियम की। अब एल्युमिनियम और सेलेनियम, इन दोनों की आपको प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। एल्युमिनियम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्युमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। एल्युमिनियम एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। कंडक्टर कौन से मटेरियल्स होते हैं, जो अपने अंदर से करंट को पास
करने देते हैं, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं। लेकिन ये जो सेलेनियम है, सेलेनियम क्या चीज़ है? सेलेनियम इज अ फोटोकंडक्टर। अब फोटोकंडक्टर क्या चीज़ है? फोटो हम किस चीज़ को बोलते हैं? लाइट को। फोटोकंडक्टर सेलेनियम जो है वो लाइट की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो किस तरह से बिहेव करेगा? एज अ कंडक्टर। जितनी देर सेलेनियम के ऊपर लाइट रहेगी वो कंडक्टर के तौर पर काम करेगा, और जितनी देर फोटोकॉपी मशीन के अंदर डार्कनेस रहेगी, अंधेरा रहेगा, उतनी देर में वो क्या काम करेगा? एज अ इंसुलेटर काम करेगा। ठीक है, तो ये जो सेलेनियम की कोटिंग की है उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? उससे हम इस ड्रम से इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों तरह के काम ले सकते हैं। किस तरह से? कि एक दफ़ा लाइट प्रोवाइड करके इसको एज अ कंडक्टर इससे काम करवा लें, और लाइट बंद करके इससे एज अ इंसुलेटर काम करवा लें। ठीक है, ये ड्रम वाली बात क्लियर हो गई। कि कंस्ट्रक्शन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट था वो था ड्रम। ड्रम जो है वो इस मशीन का मेन पार्ट है। इसका अंदर वाला हिस्सा जो है, बल्कि पूरा ड्रम जो है ना वो एल्यूमिनियम का है, लेकिन उसके ऊपर एक लेयर बनाई हुई है जो कि सेलेनियम की है। सेलेनियम एक फोटोकंडक्टर है। इसके अलावा सेलेनियम की लेयर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया हुआ है। स्प्रिंकल करने का क्या मतलब होता है? कि थोड़े थोड़े वक्फे से या फिर थोड़े थोड़े पॉइंट टू पॉइंट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है। पूरे सेलेनियम के ऊपर, पूरी लेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हुआ हुआ है। ठीक है, किस तरह से? एज अ स्प्रिंकल फॉर्म, के थोड़ा थोड़ा पॉइंट छोड़ के बीच में से खाली स्पेसेस भी मौजूद हैं। इवनली स्प्रेड नहीं है, बीच में खाली स्पेसेस भी हैं। ठीक है, ये ड्रम वाला सारा हो गया। उसके बाद आता है लैम्प। लैम्प किस काम के लिए यूज़ होता है? लाइट प्रोवाइड करने के लिए। अब फोटोकॉपी मशीन को अगर विजुअलाइज किया जाए तो लाइट, जैसे ही फोटोकॉपी मशीन को ऑन करके उसके ऊपर पेज रख के उसका लिड बंद किया जाता है, फौरन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो आती है। अब लाइट ने क्या काम करना होता है? जैसे ही लैम्प ऑन होता है उसने फौरन से किसके ऊपर जाके टकराना होता है? पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं पेज। ये पेज है आपके पास जिसको हमने, जिसका इमेज हमें फर्दर चाहिए। अब ये लैम्प पड़ा हुआ है हमारे पास। लैम्प जैसे ही ऑन होगा सबसे पहले उसकी लाइट किसके ऊपर फॉल करेगी? इस पेज के ऊपर। पेज के बाद ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी फिर। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब यहाँ तक बात आ गई है लेंस की। लेंस जो है वो लाइट प्रोवाइड करेगा। लाइट जैसे ही चलेगी वो फौरन किसके ऊपर जाएगी? पेज के ऊपर। ठीक है, लैंप वाली बात हो गई। उसके आगे है लेंस। लेंस किस काम के लिए यूज़ होता है? लेंस वैसे तो चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस फोटोकॉपी मशीन में जो लेंस है उसके अंदर दो तरह की पावर्स होती हैं। वो जो इमेज आपको चाहिए वो उसको मैग्नीफाई भी कर सकता है। मैग्नीफाई करने का मतलब कि जो राइटिंग यहाँ पे लिखी हुई है वो फर्दर एंड पे जाके उसको बड़ा करके भी दिखा सकता है, और वो उसको छोटा, उसका साइज़ रिड्यूस भी कर सकता है। ठीक है, इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ है। अब हमें क्या चाहिए? हमें सेम एज इट इज़ चाहिए, बड़ा साइज़ चाहिए या छोटा साइज़ चाहिए, ये हम पर है कि हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, लेंस में ये पावर होती है कि वो मैग्नीफाई या इमेज को रिड्यूस करके हमें दिखा सके। लाइट जो सबसे पहले पेज के ऊपर फॉल होगी उसके बाद वो कहाँ जाएगी? लेंस के अंदर से गुजरते हुए इस ड्रम के ऊपर फॉल करेगी। यहाँ पर लिख लेते हैं लेंस। ठीक है, पेज किस तरह से काम करेगा, उसके बाद लैम्प, उसके बाद लेंस। ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। लेंस के बाद क्या चीज़ आती है हमारे पास? टूनर। टूनर क्या चीज़ है? टूनर जो है ये एक स्पेशल किस्म की ड्राई इंक होती है, पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, ड्राई इंक होती है जो कि किस जगह पर पड़ी होती है? यहाँ पर। ये टूनर है आपके पास। टोनर की क्या प्रॉपर्टी है? होती तो ये ड्राई इंक है, लेकिन जैसा कि आपको पता है जब इमेज डिपॉजिट हो जाता है लास्ट पे पेज के ऊपर वो पाउडर की फॉर्म में तो नहीं होती। इसको मेल्ट किया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है इसका, लेकिन पहले जब हम मशीन के अंदर इसको यूज़ करते हैं वो ड्राई ही होती है। अब इस इंक को क्या करते हैं, इस टोनर को हम क्या करते हैं? एक्सेस नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। एक्सेसिवली नेगेटिव चार्ज हम किसको देते हैं? टूनर को देते हैं। ठीक है, सेलेनियम को हमने कौन सा चार्ज दिया था? पॉजिटिव।
पॉजिटिव चार्ज क्या किया था, उसके ऊपर स्प्रिंकल किया हुआ था, ठीक है। ये सिलीनियम की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद जो टूनर है, जो इंक है हमारे पास, उसको हमने कौन सा चार्ज दिया है, नेगेटिव चार्ज दिया है। टूनर के बाद आता है आपके पास हीटेड प्रेशर रोलर। हीटेड प्रेशर रोलर आपके पास कौन सा काम करते हैं, रोल्स की फॉर्म में, ये ड्रम के नीचे की तरफ लगे हुए होते हैं और रोल्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर ये हीटेड प्रेशर रोलर्स होते हैं, हीट जो है वो प्रेशर के साथ इस जगह पर होती है। अब होता क्या है, ये वाला पेज जो कि ब्लैंक है, ये ब्लैंक पेज है, ये यहाँ से इसके नीचे से गुजरेगा, इस ड्रम के नीचे से गुजरेगा, और ड्रम जो है वो जैसे ही सिलीनियम को पॉजिटिवली लाइट इसके ऊपर आके फॉल करती है, सिलीनियम हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो क्या होता है, ड्रम को क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, इस डायरेक्शन में ड्रम को रोटेट किया जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ से एक ब्लैंक पेज आता है, ठीक है, हीटेड रोलर्स के अंदर नीचे से गुजरता है, ठीक है। नीचे से गुजरने के बाद जो हमें इमेज है वो कॉपीड हुआ हुआ मिल जाता है। कॉपीड इमेज जो है वो हमें इस जगह पर मिल जाता है। ये है पूरी इसकी सिमेट्रिक डायग्राम, इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी वर्किंग को थ्रू आउट एक दफ़ा देख लेना है कि इसमें काम क्या हो रहा है। वो सारी बातें मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में एक बार बता दी हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं जो कि इसकी वर्किंग में आ जाएंगी। वर्किंग इसकी कहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेज जो है वो उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, ग्लास के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लैंप ऑन होता है। लैंप जैसे ही ऑन होता है वो अपनी पूरी की पूरी लाइट किसके ऊपर फॉल करवाता है, पेज के ऊपर, ठीक है। पेज के ऊपर फॉल करवाने के बाद वो फौरन से रिफ्लेक्ट बैक होता है, लाइट लेंस के अंदर से गुजरती हुई एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर फॉल करती है। एल्युमिनियम के ड्रम के ऊपर जैसा कि आपको पता है सिलीनियम की कोटिंग है, ठीक है। सिलीनियम एक फोटोकंडक्टर है। जब लाइट ऑन नहीं थी, सिलीनियम किस तरह से काम कर रहा था, एज अ इंसुलेटर, वो अपने अंदर से चार्जेस को गुजरने नहीं दे रहा था। जैसे ही हमने फोटोकॉपी का प्रोसेस स्टार्ट किया, उसमें क्या आ गई, लाइट। लाइट आने की वजह से सिलीनियम ने किस तरह से काम करना शुरू कर दिया, एज अ कंडक्टर। अब करंट इसके अंदर से पास करेगा, कौन से वाला चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पूरे पेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जो इमेज है ना वो एज इट इज़ जो है वो सिलीनियम के ऊपर क्या हो गया है, डिपॉजिट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये भी पता है कि एक पेज है, सपोज कर लो कि ये एक पेज है आपके पास और इसके ऊपर ये जो है ना प्रिंटिंग की हुई है, ठीक है। ये सारे इसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब जितने हिस्से में वर्ड्स लिखे हुए हैं वो ब्लैक है और बाकी जो ब्लैंक पार्ट है वो सारा का सारा वाइट है। अब लाइट क्या होगी, पेज के ऊपर कुछ हिस्सों में एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ पार्ट्स में से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होगी, इन डार्क एरियाज़। डार्क एरियाज़ के अंदर जो लाइट आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और लाइट एरियाज़ के ऊपर से, ये वाले जो लाइट एरियाज़ हैं इनके ऊपर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही लाइट ऊपर से आई उसने वही वाला इमेज जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अभी सिर्फ इमेज डिपॉजिट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस जिस पेज के जिस जिस हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ वहाँ पर इमेज आएगा, बाकी जितना भी पेज है वो एज अ फ्री स्पेस है, वो खाली है, ब्लैंक है। उसके बाद ये टूनर पड़ा है। अब सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमने दिया और टूनर को कौन सा चार्ज दिया, नेगेटिव, के पेज के इसके सिलीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब उस जगह पर मौजूद है जहां पर इमेज है, मतलब जो एरियाज डार्क है ना वहां पर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी एरिया जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। लाइट जब ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक होकर आई उसने उन पार्ट्स को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से आएगा टोनर। टोनर आपको पता है एक ड्राई इंक की फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ड्रम को हमने करवाना है रोल। ड्रम जब रोटेट करेगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव वाला हिस्सा जब टोनर वाले पार्ट के सामने आएगा तो क्या होगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे वहीं वहीं पर जाके इंक क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी उसके साथ।
ज़ाहिर है आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस ने क्या कर लिया है, नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया है, जैसा कि इसका प्रिंसिपल है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेलेनियम की कोटिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ठीक उसी जगह पर है जहां पर हमें इमेज चाहिए, मतलब जो प्रिंटिंग है, जो भी हमारी राइटिंग है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है, बाकी एरिया है ब्लैंक। वो पॉजिटिव चार्ज जब ड्रम घूमेगा, रोटेट करेगा, टोनर के सामने आएगा, तो टोनर आपको पता है नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सारे उसके ऊपर स्टक हो जाएंगे, तो वो एक इमेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इंक जो है वो ड्राई फॉर्म में पेज के ऊपर पड़ी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद घूम के वो इधर तक आ गया हीटेड प्रेशर रोलर्स के अंदर। अब रोलर्स के अंदर से जब हीट निकलेगी ना, तो वो ड्राई इंक को किस तरह से उसके ऊपर बिल्कुल डिपॉजिट कर देगी, जो कि प्रॉपर एक राइटिंग की फॉर्म में आपके पास पेज बन जाएगा। ब्लैंक पेज इधर से रोलर्स के नीचे से होता हुआ, पहले ब्लैंक पेज आया इसके नीचे, इंक इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई। ठीक है, ड्राई फॉर्म में जैसे ही प्रेशर हीटेड रोलर्स के नीचे से गुजरी, वो बिल्कुल प्रॉपर राइटिंग उसके ऊपर डिपॉजिट हो गई। तो अब लास्ट प्रोसेस है कि कॉपीड इमेज जो है वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ज़ीरोग्राफी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पहली एप्लीकेशन ज़ीरोग्राफी और दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास आती है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर टेक्निक है ज़ीरोग्राफी से। किस तरह से कि इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो इंक यूज़ होती है वो मतलब लिक्विड फॉर्म में इंक होती है, और वो किस तरह से काम करती है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो हम इसका देखेंगे प्रिंसिपल, कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस असूल पर काम करता है। एक इंकजेट प्रिंटर का प्रिंसिपल है, अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड व्हेन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब इसकी एप्लीकेशन जो है ना, इसका प्रिंसिपल जो है ये थोड़ा सा टफ है। पहले वाले में तो सिंपल था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके पार्ट्स हैं, अ चार्ज पार्टिकल इज़ डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है कि अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेगा। कब डिफ्लेक्ट होगा? व्हेन पासिस थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट हुई हुई है? बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। जिस तरह आप लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा था 10th क्लास में, कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स होती हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके अंदर से जब कोई भी चार्ज गुजरेगा वो क्या हो जाएगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला काम जो है वो किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, एज अ इंक जेट प्रिंटर। सबसे पहले हम इसके देखते हैं पार्ट्स कौन से हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। सबसे पहला है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड क्या होता है कि जहाँ से इंक ने आपकी निकलना है, मूव करना है, तो वो प्रिंट हेड है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटी सी नोज़ल लगी हुई है। नोज़ल क्या है कि उसका जो पॉइंट है, जो जहाँ से पार्टिकल्स ने, इंक के पार्टिकल्स ने उसके अंदर से निकलना है, वो बहुत स्मॉल है, और वो पार्टिकल्स आगे से आगे ट्रेवल करेंगे प्रिंट हेड से निकलने के बाद। सेकंड इसका पॉइंट है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या हैं? टू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, के मतलब ये चार्जिंग के लिए यूज़ होते हैं, उसको इंक के ड्रॉपलेट्स को चार्ज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आती हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स, के ऊपर और नीचे की तरफ प्लेट्स लगी हुई हैं जिनके अंदर से इंक के ड्रॉपलेट्स ने गुजरना है। और लास्ट पर आता है गटर। गटर क्या चीज़ होती है? फॉर रेजिड्यूअल पार्ट। रेजिड्यूअल क्या चीज़ है कि जो बचा हुआ होता है, जो हमें पेपर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं होता, फालतू एक्स्ट्रा जो है वो, उसके लिए एक गटर होता है कि एक्स्ट्रा इंक जो है वो गटर के अंदर फॉल कर दी जाए। ठीक है, ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आती है इसकी स्मेटिक डायग्राम, और डायग्राम के साथ साथ ही मैं आपको वर्किंग की एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब डायग्राम के अंदर क्या चीज़ है? सबसे पहले इंक सप्लाई। ठीक है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रिंट हेड। ये आपका है प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले इंक सप्लाई है, कि एक बॉक्स है जिसके अंदर इंक पड़ी हुई है लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर से इंक निकलेगी, पंप उसको अपनी तरफ खींचेगा, तब जाके ये नोज़ल के अंदर आ जाएगी। नोज़ल का जो मेन पॉइंट है, जहाँ से ड्रॉपलेट्स ने बाहर जाना है, पंप ने इंक को खींचना है नीचे से और नोज़ल के अंदर से पास करवाना है। ठीक है, ये नोज़ल का हेड है, बहुत स्मॉल है, यहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये जो ड्रॉप्स हैं ये आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रिंट हेड। प्रिंट हेड जो है वो पेपर के ऊपर मूव किस तरह से करता है?
प्रिंट हेड पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, आगे पीछे पूरे पेपर के ऊपर, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। उसके बाद जहाँ पर इमेज चाहिए होता है वहाँ पे इंक डिपॉजिट हो जाती है और बाकी हिस्सों पर इंक डिपॉजिट नहीं होती। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे चल के मैं आपको देती हूँ। अब आगे आ जाता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, चार्जिंग कंट्रोल से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब चार्जिंग कंट्रोल को कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द कंप्यूटर। चार्जिंग इलेक्ट्रोड कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेता है, किस किस्म की इंस्ट्रक्शन, कि कहाँ पर चार्ज डिपॉजिट करना है और कहाँ पर चार्ज जो है वो या इंक जो है वो उसको डिपॉजिट नहीं करना, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है चार्जिंग कंट्रोल, फिर देन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड से अंदर से गुजरने के बाद ड्रॉपलेट्स, इंक के ड्रॉपलेट्स किसके अंदर से गुजरते हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर से। इन प्लेट्स के अंदर से गुजरने के बाद जो डिफ्लेक्ट होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, गटर में। गटर का पेज के साथ कोई लिंक नहीं है, ये रेजिड्यूअल पार्ट के लिए होता है, ये एक्स्ट्राज में आता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स चार्ज हुए थे ना इलेक्ट्रोड्स ने, जिन पार्टिकल्स को चार्ज किया था वो डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरने के बाद सीधे गटर में आ गए। चार्ज हुए हुए ड्रॉपलेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है पेपर पर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि ड्रॉपलेट जो चार्ज हुए थे वो तो सारे गटर में आ गए, अब पेज के ऊपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। जो इमेज स्टार्टिंग पर हमने दिया है प्रिंटिंग के लिए, जो इमेज हमने दिया है वो अब पेपर के ऊपर कैसे आएगा। तो पेपर के ऊपर इंक प्लेस करने का क्या तरीका है, चार्जिंग कंट्रोल से कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन आएगी चार्जिंग कंट्रोल के अंदर, और चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बंद कर देगा, ठीक है। चार्जिंग नहीं होगी, ठीक है, जो पार्टिकल्स चार्ज नहीं होंगे वो डिफ्लेक्शन प्लेट में से सीधा गुजरेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, पेपर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। वो वाले पार्टिकल्स जो चार्ज हो गए थे वो डिफ्लेक्ट होके गटर में आ जाएंगे, और जिन पार्टिकल्स को हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बंद करके अनचार्ज रखा है, जो कि चार्ज नहीं हुए, ये चार्जिंग है ना, अगर यहाँ से इन्फॉर्मेशन आए कि इसको बंद कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया, और ये पार्ट्स जो हैं वो सीधे के सीधे कहाँ पे जाएंगे, पेज के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। ये वाला फिनोमिना ज़्यादा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोग्राफी, ठीक है। इसके ऊपर इमेज की क्वालिटी भी हमें अच्छी मिलती है, और कलर प्रिंटिंग में अब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग भी है हमारे पास अवेलेबल, और कलर प्रिंटिंग भी है। तो इंकजेट प्रिंटर का जो तरीक़ेकार है, जो प्रोसेस है, वो आपके पास कलर प्रिंटिंग के अंदर यूज़ होता है। That's all for today's lecture. Thank you.